1/3 BC हो तो क्या क्या कर रहे हैं, यदि त्रिभुज एफ बी ई का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AC की लंबाई क्या है। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक वर्ग बना लेता हूँ और जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग काम करते हैं। ए बी सी डी इसका नाम लेते हैं, ए बी सी डी। क्या कह रहा है कि इस वर्ग वर्ग है यहाँ पे, क्या कह रहा है बिंदु एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है एफ है। यदि बी बराबर में 1/3 BC, बीई जो है ना बीई वह 1/3 है बीसी का, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर बी इधर ले लेते हैं, ई इधर ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज एफ बी सी का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एफ बी ई का क्षेत्रफल इसका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एसी की लंबाई ये ज्ञात करें, एसी की लंबाई यहाँ पर क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है ना जी। तो अगर इस वर्ग की एक भुजा निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बस क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसी में दिया है कि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है कि बी जो है ना 1/3 है बीसी के, 1/3 है बीसी के, त्रिभुज किसका एफ बी ई का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एफ बी ई का क्षेत्रफल वह कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एसी बराबर में व्हाट, ठीक है ना जी, एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी क्या है एक वर्ग है, तो जब वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी ना, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में डी, ये प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग बी एफ की बात करें तो हाफ हो जाएगा वो ए बी का, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यही पर लिखते तथा बी जो है ना वो दिया है 1/3 BC के, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहां से चाहो तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, बी इक्वल टू में 1/3 हम लोग यहाँ बी सी के जगह पर चाहे तो ए बी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बी सी सब तो भुजा बराबर ही ना होगी जी, बिल्कुल होगी। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी ई बराबर में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ये 90 है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्या कर सकते हैं 1/2 आधार आपका बी ए और ऊंचाई जो होगी आपकी बी ई हो जाएगी, है ना जी, इक्वल टू में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बी एफ की जगह पे लिख देते हैं 1/2 ए बी और बी ई की जगह पे लिख देते हैं 1/3 ए बी इक्वल टू में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 12 जाके उधर गुना करेगा, तो यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 108 और गुना में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी। तो अब इसको गुना कर देते हैं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग इसे 36 का स्क्वायर कर सकते हैं, 36 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो आ गया यहाँ 36 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा में पता चल गया 36 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण निकालना है, लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालना आप जानते ही है, एसी जो है क्या हो जाएगा ये √2 times होता है प्रत्येक भुजा का, ये आपको पता है ना, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वह √2 होता है उसकी भुजा का, यही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये है आपका 36 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू 1.41 लिख लेते हैं और गुना में 36 सेंटीमीटर, तो इसमें इसे गुना कर दे, या 1.414 ले लेते हैं, 3 अंक तक ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50.904 सेंटीमीटर, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22